वंचित बंजारों को मिला प्रशांत का सहारा। आपको बता दें बिहार के उजियारपुर प्रखंड के माजिरपुर पंचायत के वार्ड 5 पेपरपांती पोखरा के समीप बसे बंजारा परिवारों को इस आपदा के समय राष्ट्रीय युवा जदयू सचिव प्रशांत पंकज का सहारा मिला। बता दें कि जानकारी के अनुसार प्रकाश पंकज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंजारों का हाल जानने उनके पास गए। 13 परिवार के करीब 100 सदस्य भूखों रहने को विवश थे। फूचन बंजारा, सुशील बंजारा, महेश बंजारा, विकेश बंजारा, सुकेश, प्रमोद, परमिला देवी सहित कई लोगों ने बताया कि घर की महिलाएं द्वारा घर घर घूमकर भिक्षाटन करने एवं पुरुष कान की सफाई कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पॉलिथीन टांग कर तंबुओं के सहारे सर्दी गर्मी और बरसात में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। भोजन भी मिलना मुश्किल है। लॉकडाउन ने तो मानो उनकी कमर ही तोड़ दी। फूचन बंजारा ने बताया कि घर में पहले से कमा कर व भिक्षाटन कर रखे अनाज व रुपए जब समाप्त हो गए तो भूखों मरने की नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि अपने आधार कार्ड बनवा रखी है लेकिन सरकारी लाभ से वे वंचित हैं। बंजारों से उनकी समस्या सुनने के बाद तत्परता दिखाते हुए मोबाइल से अनुमंडल पदाधिकारी से परिवारों को राशन उपलब्ध कराने की अपील की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीविका दीदी को राशन कार्ड बनाने हेतु निर्देश दिया। जीविका दीदी के द्वारा मौके पर पहुंचकर राशन कार्ड के लिए बंजारा परिवारों का आवेदन लिया गया। श्री पंकज के द्वारा बंजारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। बता दें कि इस तरह बंजारों के जीवन में एक नई रोशनी उदय हुई। मौके पर पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव सिंह, परमेश कुशवाहा उपभोक्ता संरक्षण समिति अध्यक्ष प्रमोद साहनी, मनोज कुमार, सरपंच राम प्रसाद सिंह, संजय गिरी, सुदर्शन चौधरी, अनिल कुमार, प्रदीप अविवेक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे जिन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और यहाँ पे जो वार्ड नंबर 5 नाजीपुर पंचायत में यहाँ पे बंजारा की सारी कहानी बताया और उनके बारे में पता चला कि अभी तक किन्हीं के पास राशन कार्ड नहीं है। तो हमारी अभी बात अनुमंडल पदाधिकारी से हुई है और अभी तत्काल ही अभी यहाँ पे जीविका दीदी को भेजा गया है, उनका फॉर्म भरा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में इनको राशन कार्ड भी निर्गत किया जाएगा और जो सरकार के द्वारा निर्धारित 5 किलो जो अनाज फ्री में दिया जाता है वो भी अभी तत्काल इनको दिया जाएगा। क्या समस्या है आप लोगों को? अभी समस्या मालिक की हम लोग खाना भरोसे है, जहाँ पाते थे तहाँ रहते थे, अब एक छोरी जगह जमीन देखे अपना बस में, अब भी को मांगे जाते हैं कोई नहीं जाने देता, मरता चूटता तो क्या खाएंगा गरीब आदमी, तो मर जाएगा बंजारा आदमी। कितने दिन से इस पंचायत में आप लोग रह रहे हैं? 20 साल से ऊपर होता है। 20 साल से अधिक से आप मसूमात हैं। विधवा पेंशन मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। खाने के लिए राशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिलता। पंचायत से किसी प्रकार का मदद नहीं मिलता है? क्या नाम हुआ आपका? आपको ऊपर मिला दे ना जमीन है समझे, आ करके 20 साल से यहाँ पर हम लोग रह गए समझे, हम लोग ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, भीख मांग करके हम लोग खाने वाले हैं। लॉकडाउन में क्या परेशानी हो रही है? लॉकडाउन में कहीं नहीं घूमने फिरने देता है, कोई नहीं जाने देता है, पानी भी बंद कर देते, कहीं घूमिएगा तो पानी बंद कर देंगे, उसी मारे हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। राशन उशन मिला है सरकार से? कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? महेश बंजारा। समस्तीपुर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।